हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी निमोनिया के बारे में। व्हाट इज़ निमोनिया, डिफाइन निमोनिया, एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन, निमोनिया इज एन इंफ्लामेटरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द टर्मिनल एल्वुलाई, एयरवेज एंड एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन एजेंट, इन विच द एयर सैक्स फिल विद पस एंड मे बिकम सॉलिड। निमोनिया एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है जिसमें टर्मिनल एल्वुलाइज शामिल होती है और लंग्स की एल्वुलाई होती है, वो जो टर्मिनल एयरवेज होते हैं, जो साइड के एयरवेज होते हैं लंग्स के, वो इंक्लूड होते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और फंगल इन्फेक्शंस के द्वारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स में एयर सैक्स होती हैं, जो एल्वुलाई होती है उसमें पस को फिल कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सॉलिड हो जाता है, जो एल्वुलाई होती है वो सॉलिड हो जाती है और फिर इन्फेक्शन कॉज करती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन में अफेक्ट बोथ लंग्स और ओनली वन, इन्फ्लामेशन होता है वो दोनों लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है और एक ओनली वन लंग को भी अफेक्ट कर सकता है। इट इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉजिटिव एजेंट, ये अपने इसके पॉजिटिव एजेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जैसे न्यूमोकोकस इन्फ्लुएंजा होता है, अलग अलग दूसरे और भी होते हैं बैक्टीरिया वायरस जो कि निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया, इसमें है बैक्टीरिया कॉमनली एंटर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अडेयर टू द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल के साथ चिपक जाता है। बैक्टीरिया होगा वो सबसे पहले लंग्स में एंटर करेगा, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें एंटर करेगा। दो ट्रैक्ट होते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें नोज, फेरिंग्स वगैरह वो सब आता है, लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें लंग्स आते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, लंग्स में जाएगा और उसकी वॉल के साथ, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, उनके साथ चिपक जाएगा, अडेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा सेलुलर एंड ट्रिगर इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ठीक है, क्लिनिकल रिस्क फैक्टर दैट फेवर कॉलोनाइजेशन ऑफ द लोअर एयरवेज एंड अल्टर्स द नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा, डायबिटीज, स्मोकिंग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है, जो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें दैट फेवर कॉलोनाइजेशन ऑफ द लोअर एयरवेज, लोअर एयरवेज के कॉलोनाइजेशन में फेवर करते हैं एंड अल्टर्स द, और क्या अल्टर करते हैं, बैक्टीरिया के फ्लोरा को, बैक्टीरिया फ्लोरा, डायबिटीज, स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं डायबिटिक पेशेंट होते हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और वायरल इन्फेक्शन होता है उनमें इस प्रकार का निमोनिया डिजीज अकर होती है। ठीक है, फिर आता है विद द ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी जब इन्फ्लामेशन की शुरुआत होती है तब एल्वुलर सैक, एल्वुलर एयर स्पेस फिल विद एन एक्सुडेटिव फ्लूड, एक्सुडेट फ्लूड के साथ भर जाते हैं एल्वुलर सैक। ठीक है, एल्वुलर एयर स्पेसेस होते हैं वो एक्सुडेटिव फ्लूड के साथ भर जाते हैं और फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्वेड द वॉल ऑफ द एल्वुलाई और फिर इन्फ्लामेशन अकर होता है। दिस रिजल्ट इन हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइपरकैपनिया। ठीक है, बिकॉज थिक इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट कलेक्ट इन द एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक में पस जमा होने लग जाता है और फिर क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 के डिफ्यूजन को इंटरफेयर करता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज को इंटरफेयर करता है। कॉन्सोलिडेट एल्वुलर एक्सुडेट्स प्रोड्यूस पैचली इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन द लंग्स। ठीक है, ब्रोंकोनिमोनिया बोलते हैं जिसको। वन और मोर लॉब्स ऑफ द लंग्स में इन्वॉल्व, रिजल्ट इन लोबुलर निमोनिया। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लोब में होता है तो उसको लोबुलर निमोनिया कहते हैं। इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से, और
फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं वो। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करता है, बैक्टीरिया एंटर करता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, या फिर फंगस भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले एंटर करते हैं किसमें, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये एल्वियोलाई में जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई होती है वो माइक्रोब्स और ना फ्लूइड्स के साथ भर जाती है और पस के साथ, ठीक है। फिर वो क्या हो जाती है, कॉन्सोलिडेट हो जाती है, यानी सॉलिड हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्रोस हो जाता है, वो नेक्रोटिक टिश्यू में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर एल्वियोलर एडिमा हो जाता है, और फिर इंटरफेयर करती है गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है। और फिर निमोनिया, इस प्रकार होती है पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, एल्वियोलाई में जाके एडेयर हो जाता है, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाइल में। फिर क्या करता है, एल्वियोलाई में जाके जो फ्लूड है, फ्लूड और पस जमा होने लग जाते हैं, माइक्रोब्स जमा होने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं, यानी सॉलिड होने लगते हैं। फिर वो सॉलिड होके नेक्रोटिक टिश्यू में चेंज हो जाते हैं, फिर एल्वियोलाई एडिमा हो जाता है, और फिर गैसेस एक्सचेंज में इंटरफेयर करते हैं, फिर डिजीज अकर होती है, ठीक है, निमोनिया होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें है सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। अचानक से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और प्रोडक्टिव कफ होता है पुलुरेंट स्पूटम के साथ, फाउल की जैसी स्मेलिंग होती है, पस के साथ जो स्पूटम आता है वो पस के साथ स्पूटम आता है, और क्या होता है, राइगर्स और सिवियर शेकिंग चिल्स, फीवर विद चिल्स, ठीक है, हेडेक, मेलाइज, यानी मसल्स पेन होता है वो, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया होने लग जाता है, और एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस यानी पूरी बॉडी होती है वो नीली पड़ने लग जाती है, ठीक है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड, ट्रैकल्स, रेल्स विद ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स, जब हम लंग्स को ऑस्कल्टेट करते हैं तो क्रैकल्स की जैसा साउंड आता है, और प्लूरिटिक चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होने लगता है प्लूरल स्पेस में, और रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग्स, ठीक है, फिर नेजल फ्लेयरिंग होने लगती है। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते हैं, उसमें क्या है, डिपेंड अपॉन लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम आर एडमिनिस्ट्रेड टू ट्रीट निमोनिया। निमोनिया को ट्रीट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाती है,
जैसे कि पेनिसिलिन, सिफिलिस्पोरिंस, डॉक्सीसाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड क्लिंडामाइसिन आर द ड्रग्स टू ट्रीट निमोनिया। ये सब ड्रग्स होती है जो निमोनिया को ट्रीट करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी इफ पेशेंट हैज इनएडिक्वेट, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ओरल हाइड्रेशन और आईवी थेरेपी देनी है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आते हैं, सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट आता है, उसमें क्या आता है, टेक अ केयर फील हेल्थ हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, अपन को हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, ऑब्जर्व फॉर एंशियस यानी चिंता तो नहीं है उसको, फ्लश्ड अपीयरेंस तो नहीं है, शैलो रेस्पायरेशन, शैलो मतलब धीरे धीरे रेस्पायरेशन तो नहीं कर रहा है, और कन्फ्यूजन तो नहीं है उसको, ठीक है, वो सब अपन को चेक करना है। द नर्स शुड मॉनिटर द फॉलोइंग, नर्स को और क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, TPR जैसे टेम्परेचर और पल्स और अमाउंट ऑर्डर एंड कलर ऑफ द सीक्रेशंस, जो भी स्पूटम या फिर कोई और सीक्रेशंस आ रहा है उसका ऑर्डर कलर और अमाउंट चेक करना है, ठीक है, जैसे रेड वगैरह रेड स्पूटम तो नहीं आ रहा है, वो सब चेक करना है, ठीक है। और क्या करना है, फ्रिक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ कफिंग, कितना कफ वो कितना कफ रिड्यूस कर रहा है वो सब देखना है अपन को, सीवियरिटी देखनी है कफ की, ठीक है, या फिर कितने ड्यूरेशन में कफिंग कर रहा है पेशेंट वो सब देखना है। चेंजेस इन रेस्पिरेटरी पैटर्न को चेंज करना है, ठीक है, उसको अलग अलग पोजिशनिंग देनी है। फिर आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में पहला अपन